हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द क्रेजी बॉय। तो आज एक अन्य ब्लॉग होते चले कि ब्लॉग कि रान्ना बानना और चलो ताहले शुरू करा जाक। तो बंधुरा देखते अपनारा ये फुलकपी बीम गाजर एखे एखे आटा काटे हमार भाई एखे देखते और टमेटा ये काटे टमेटाटा और यदि आदा आदा बाटा हो आदा बाटा हो गए और यदि डाल मुग डाल से हमें करी। तो बंधुरा डाल प्राय से गए तो एखे आलू देा होलू भात आलू भात दे और ये हमार दुटो शुकनो लंका और जिरे गुड़ो दारचिनी और ये कि जाए ना तो तुम्हारा बो कमेंट ये कि जाए और एखे एट मिक्स करा हे एक भाजा है और टमेटोटा काटा हो गए यही हमारे शेप टमेटा केटे तो बंधुरा हमारे डाल से आखने जल दिए ये तुले नब और तारपरे डाल फोड़न दिया हबे। तो बंधुरा देखते डालटा सिद्ध हो गए और एटा एटा एखन पड़े कटा धुए फोड़न फोड़न देव डाले तो देखा हच्छे एकटु पड़े। तो बंधुरा कड़ा गरम हो गए पर मतन तेल देव और तेलटा गरम हो गए सब्जीगुलो दिए देव। तो बंधुरा देखते तेलटा गरम हो गए मध्य सब्जीगुलो एबार दिए देव नाचा कर भलो कर एक सिद्ध मतन को ये नाम तो सिद्ध हो गए नाम। तो बंधुरा सिद्ध करार्जन ये एक ढेके दीते अपनारा और बंधुरा स्वाद मतन हल्का कर लवण दिए दीते पारें। और फ्लेम सच्छय को रखबें मीडियम फ्लेम फ्लेम। तो बंधुरा दो तीन मिनट अंतर अंतर एक नड़ाचड़ा कर तो ना तलाय धरे देते पारे एक नड़ाचड़ा कर आबार ढाकनाटा दिए देवें। तो बंधुरा देखते पाच्छेन सब्जीगुलो भाजा हो गेछे तो एबार सब्जीगुलो नामिये नेब। तो फ्रेंड सब्जीगुलो नामिये नियेछि जे एबार कड़ाटा हल्का गरम करे तेलटा दिए फोड़नगुलो दिए देव और आदा दिए देव और मध्य और टमेटागुलो दिए देव। तो बंधुरा कड़ाई तेल गरम हो गेछे एबार फोड़नगुलो दिए देव। फ्लेम तो कमे देव और तेजपाता तो नहीं तेजपाता तो दे। तो आदाटा दिए देव। तो बंधुरा आदाटा दिए दीची आदा एक भलोक नड़ाचाड़ा करते कारण आदार एक हल्का गंध था गंध पता ना थे तरज एक भलोक आदा भेजे नहीं भेजे नीते हैं। इरपर दिए देव टमेटा टमेटा काटा रखा आ तो बंधु टमेटागुलो भलोक भेजे नहीं एरपर जो भेज सब्जीगुलो आगो दिए देवर मध्य
আবার এগুলো একটু নড়াচড়া করে ভালো করে ভেজে নিয়ে এরপর মুগ ডালগুলো দিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, সবজিটা প্রায় ফ্রাই হয়ে গেছে, এরপরে এখন মুগ ডালটা দিয়ে দেবো। তারপরে একে একটু হাই ফ্লেমে ফুটিয়ে নামিয়ে দেবো। তখন দেখুন কত সুন্দর লাগছে, এই প্রথম বানালাম ডাল, ভেজ ডাল, তো কেমন হয়েছে বলবেন প্লিজ। বন্ধুরা, আমি একটু সেদ্ধ করার সময় লবণ দিয়েছিলাম, তা একটু স্বাদ মতন টেস্ট করার জন্য একটু লবণ দিয়ে দেবো। আর হাফ চামচ মতন চিনি দিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, আমাদের ভেজ ডাল রেডি হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ কেমন হয়েছে, তো একটু তুলে দেখাবো, আমাদের চেষ্টা করবো। হ্যালো গাইস, তো রান্নাটা কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, আর পাশের বেল আইকনটা ঢংঢং করে বাজিয়ে দিন। আর দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে, এখনকার মতন বাই।